स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं बचपन से एक बियर्ड फैन रहा हूं और मैं हमेशा से विराट कोहली सर, विजय देवरकोंडा सर को फॉलो करते हुए आया हूं और उनकी यूनिक बियर्ड स्टाइल्स का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं। एंड रिसेंट में KGF चैप्टर 2 रिलीज होने के बाद इस ट्रेंड को और मैडली फॉलो किया जाने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना परफेक्ट बियर्ड केयर रूटीन जो मैं फॉलो करते हुए आया हूं और जिससे मैं अपनी एक परफेक्ट बियर्ड को मेंटेन करता हूं। बाय द वे, हाय, माय नेम इज मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते अपने पहले स्टेप पे जो कि है बियर्ड वॉश। अब जिस तरह बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें स्कैल्प का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक उसी तरह बियर्ड को ट्रिम करने से पहले हमें बियर्ड वॉश करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारी बियर्ड में जितना भी डर्ट और पोल्यूशन है वो सारा एक्सट्रैक्ट हो जाए और हमारे पास एक क्लीन बियर्ड रहे। फॉर द बेस्ट रिजल्ट मैं यूज़ करता हूँ मैन डिजर्व का बियर्ड एंड फेस वॉश। ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री होने के साथ साथ एंटी एक्ने भी है जो मेरी बियर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जिससे मुझे पोस्ट वॉश ड्राइनेस नहीं होती। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बियर्ड लेंथ। अब इस स्टेप में हमें कोई भी सीजर या ट्रिमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप में हम मेंटली डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप की बियर्ड चाहिए। कई लड़कों को स्टबल बियर्ड रखना पसंद होता है, बाकियों को लंबी। अब मैं पर्सनली इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखता हूँ। मैं चीक्स वाली साइड पे थोड़ी सी लाइट बियर्ड रखता हूँ एंड जॉ लाइन के अराउंड थोड़ी हैवी बियर्ड रखता हूँ जिससे मुझे एक इन्हांस्ड जॉ लाइन का लुक मिलता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बियर्ड ट्रिमिंग। अब जब हमने मेंटली डिसाइड कर लिया है कि हमें किस टाइप की बियर्ड चाहिए तो अब आवारी आती है उसे एक्चुअल में ट्रिम करने की। इस स्टेप में प्रो टिप ये है कि जब भी आप ट्रिमर को यूज़ करो तो आप उसे सीधा नहीं उल्टा यूज़ करो ताकि आपने ट्रिमर के ऊपर जो क्लिप लगा रखी है वो आपकी बियर्ड को इवनली ट्रिम कर सके। मैं अपनी चीक्स के अराउंड बियर्ड को 3 से 4 नंबर पे ट्रिम करता हूँ और जॉ लाइन के अराउंड बियर्ड को 7 नंबर के अराउंड ट्रिम करता हूँ। अब ये नंबर आपके लिए कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ट्रिमर यूज़ कर रहे हैं या आपकी बियर्ड लेंथ कितनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अलग अलग नंबर ट्राई आउट करो और फाइनली वो कॉम्बिनेशन चूज़ करो जिस पे आपको एक परफेक्ट बियर्ड का लुक अचीव हो सके। आप सबसे पहले 10 नंबर से शुरू कर सकते हो एंड इवेंचुअली नंबर को कम करते करते अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद जो मेरे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बियर्ड हेयर निकल रहे होते हैं उन्हें मैं सीजर से कट कर लेता हूँ ताकि मुझे एक डिफाइंड फेस मिल सके। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बियर्ड स्टाइलिंग का। अब बियर्ड को स्टाइल करने के लिए मैं जॉ लाइन से 1 इंच नीचे से ट्रिम करता हूँ और उसे सीधा कट देने की बजाय एक सी कट प्रोवाइड करता हूँ जिससे मेरा जॉ लाइन और इन्हांस्ड दिखे। उसी के साथ साथ चीक्स के अराउंड ट्रिम करते वक्त मैं एक नेचुरल एल मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे ज़्यादा शार्प कट्स पसंद नहीं है। एंड मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने दोनों साइड के चीक्स को इवनली ट्रिम करूँ ताकि मुझे एक सिमेट्रिकल फेस का लुक मिल सके। ओके, सो फाइनली जब हमने बियर्ड को ट्रिम और स्टाइल कर लिया है उसके बाद मैं अपने फेस को ठंडे पानी से धोता हूँ ताकि मेरे जितने भी ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं। इसके बाद मैं मैन डिजर्व बियर्ड कॉम से अपनी बियर्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉम करता हूँ ताकि वो सेट हो जाए। इसके बाद मैं फाइनली लगाता हूँ मैन डिजर्व का बियर्ड सॉफ्टनर। अब ये मेरी बियर्ड को सॉफ्ट रखने के साथ साथ उसे शाइन और ग्रोथ भी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको मैन डिजर्व के कोई भी प्रोडक्ट्स चेकआउट करने हो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, मेक श्योर यू चेक देम आउट। तो ये था मेरा ऑनेस्ट मिनिमल बियर्ड केयर रूटीन। अगर आपको भी अपने बियर्ड के साथ बेस्ट लुक अचीव करने हैं तो आई रिकमेंड यू टू ट्राई दिस रूटीन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो और आप मिलकर एक सेक्सी सी बियर्ड ग्रो आउट कर सको। अंटिल देन, बाय बाय।